नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल एपी और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज तेंदुनी चौक पर उपस्थित हूं और लोकतंत्र के महापर्व शुरू हो चुका है। लोकतंत्र के महापर्व के लेकर के जितने भी नेता और अभिनेता हैं अपने अपने क्षेत्र में अपने प्रचार के लिए निकल चुके हैं। अभी यहाँ पर कुछ हमारे साथ देख रहे हैं युवा पीढ़ी के लोग हैं और इन लोग के हाथों में माला है और ये लोग क्या किस लिए यहाँ पर खड़ा है इसकी जानकारियाँ लेकर के आपको आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूँगा। और सबसे पहले यहाँ सूरज भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो विक्रमगंज के हैं और काफ़ी अभिनेताओं के चाहने वाले हैं। इनके फेसबुक पर देखिएगा आप फोटो, तो कई एक अभिनेताओं के साथ में, कई एक फिल्मी हीरो के साथ में है, कई एक गायकारों के साथ में है। क्या नाम है आपका? नमस्ते, सूरज राज। सब लोग के प्रणाम बा, आर भारत चैनल के देखे वाला सब भैया लोग के प्रणाम बा। और अभी माला लेके किस लिए खड़े हैं? हम लोग के क्षेत्र में काराकाट के पावन धरती पर भोजपुरी के शेर पवन सिंह जी का आगमन होने जा रहा है, जो हम लोग के काराकाट क्षेत्र के भावी संसद प्रत्याशी हैं। वही पवन सिंह, पर्चे के मुहताज नहीं, जिनका नाम आपने सुना है और आपने उनको फिल्म में भी देखा है। भोजपुरी जगत के बहुत अच्छे स्टार हैं पवन सिंह और उनकी आगमन अभी कुछ ही देर में इस विक्रमगंज के धरती पर होने वाली है। ये सभी लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और ये आपको मालूम नहीं है कि राजनीति जो होता है वो नेताओं के लिए है, तो क्या अभिनेता आकर के और यहाँ पर राजनीति कर सकते हैं? ये लोकतंत्र है। देखिए क्या है ना कि मोदी जी का देश है भारत, स्वतंत्र भारत है, इसमें किसी का रोक टोक नहीं है कि वो कलाकार है तो चुनाव नहीं लड़ेगा। ये आम जनता है, जो भी जिसका मन वो चुनाव लड़ सकता है। और पवन सिंह लोकप्रिय हैं, ना पवन सिंह खलनायक है, ना ही वो गुंडा हैं, ना ही वो देशद्रोही हैं और ना ही वो जनता का पैसा खाने वाले इंसान हैं। वो जनता के दिलों पर राज करते हैं, इसीलिए पावर स्टार और पवन सिंह कहा जाते हैं। चलिए, लोकतंत्र के मेला है और आज़ाद भारत में आज़ाद लोग हैं, आज़ादी के साथ सबके अधिकार बनता है कि एक दूसरे के साथ दें और एक दूसरे के साथ में रहें। अभी पवन सिंह के आगमन के लेकर के यहाँ पर भीड़ बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो रहा है और अभी उनका दनवार में स्वागत हुआ है, जबरदस्त स्वागत। उसके बाद वहाँ से वो चल चुके हैं नासरीगंज होते हुए, काराकाट होते हुए विक्रमगंज के लिए आगमन है। और आगमन के लेकर के कब इधर में आप देख रहे हैं तपती हुई धूप, धूप के सामना ये लोग कर रहे हैं और अभी छाई में आए हुए हैं और काफ़ी धूप में परिश्रम करके इंतजार कर रहे हैं। और इसमें से ये देख रहे हैं आप जितने भी लोग हैं, ये लोग उस दिन अपना हक दिखाएंगे, उस दिन अपना अधिकार दिखाएंगे जिस दिन ईवीएम के बटन दबेगा। इस देश का हीरो कौन होगा? देखिए, इस देश का हीरो अगर हमारे माना जाए तो हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, ये इसमें कतई शक नहीं है। और रही बात हमारे काराकाट की, तो काराकाट की जनता इस बार मन बना चुकी है, क्योंकि काराकाट को विकासहीन बनाने वाले जितने भी यहाँ के सांसद रहे हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे आपके महाबली सिंह हो, जितने भी सांसद रहे हैं वो काराकाट को विकासहीन बनाने वाले हैं। केवल गठबंधन पे अपने मजा लेने वाले हैं कि इनके नाम पर जीतना है, बाकी अपने कार्य। अगर आप हमें बताइए कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जी इस काराकाट में चुनाव लड़ने फिर पुनः आए हुए हैं तो क्या उनका मैनिफेस्टो क्या है? क्या ये तो जनता बताएगी ना? हाँ, जनता तो सब जानती है, जनता अभी सब जानती है। आपके सामने जनता का आप रिप्लाई ले सकते हैं या आपको विकास दिखेगा कि विकास कहाँ हुई है। अच्छा, अब की बार ये काराकाट में पार्टी की लड़ाई है या जाति की लड़ाई है या फिर किसी अभिनेता की लड़ाई है या नेता की लड़ाई है? देखिए, काराकाट में विकास की लड़ाई है। काराकाट ही एक ऐसा मुद्दा है जो कि विकास का मुद्दा है। आज से कहीं भी एक पवन सिंह के ट्वीट करने पर पूरे देश में काराकाट का मुद्दा उठने लगा। आखिर क्यों? जब काराकाट का जब विकासहीन हुई है तभी ना मुद्दा उठ रहा है, नहीं तो एक सिंगर बहुत जगह सिंगर खड़े हुए हैं, चाहे आपके नवादा में देखिए गुंजन सिंह खड़े हुए हैं, क्या वहाँ पे मुद्दा दिख रही है? वहाँ पे आम जनता अपने मुद्दा को लेकर बैठी है। तो मुद्दा अगर कहना चाहेंगे आप काराकाट की, तो पवन सिंह ही एक मुद्दा है जो कि विकास को बढ़ा सकता है, या चाहे वो कोई नया युवा चेहरा हो जो कि बढ़ा सकता है। चलिए, अब की बार देखते हैं जनता के हाथ किसके है साथ, क्योंकि लोग यहाँ पर अब की बार नेताओं को चाहते हैं या अभिनेताओं के साथ हैं। ये एक बार कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नए नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ हाजिर रहूंगा। और भी कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल कहना चाहते हैं। देखिए, आप सभी काराकाट की जनता रूपी भगवान जनार्दन से निवेदन है कि इस बार पवन सिंह को मौका देकर के भारी मतों से विजयी बनाइए और
वादा करते हैं कि आने वाला समय में काराकाट महोत्सव होगा, जिसमें भोजपुरी के हरेक कलाकार आकर के यहाँ पर शिरकत करेंगे और पवन सिंह आने वाला टाइम में यहाँ की गरीब बहनों को शादी विवाह भी करवाने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। धन्यवाद। क्यों जनता उम्मीद लगाए कि पवन सिंह जैसे एक हीरो को जिताने से पवन सिंह हर किसी को विकास के राह पर ले जाएंगे? देखिए, पवन सिंह जो नाम है ना, वो नाम है हवा है ना। पवन को कोई रोक सकता है ना? कभी रोके है तो पवन सिंह का एक ही देन है कि माई की ममता और मर्द के क्षमता पे कभी शक ना करे के चाहिए। तो पवन सिंह जो हैं उनके क्षमता पे कभी शक मत कीजिए। काराकाट में विकास की व्यवहार बहेगी, बौछार होगी और खूब विकास होगा काराकाट में, पवन राज आएगा तो। चलिए, सुबह से ही देखा जा रहा है विक्रमगंज में पवन यानी हवा चल रहा है और कुछ ही क्षण में यहाँ पर पवन के आगमन होने वाला है। और ये देखिए काफी हुजूम आप देख रहे हैं पीछे में, काफी भीड़, काफी जनसंख्या। पवन सिंह के आगमन हो चुका है। पवन सिंह के पहले आप गाड़ी देख रहे हैं, अंचल प्रखंड विकास पदाधिकारी के गाड़ी, उसके साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी गाड़ी पीछे में आप देख रहे हैं पवन सिंह के गाड़ी है, जो कि बॉडी खुला हुआ गाड़ी है और उस पर खड़ा होकर पवन सिंह सभी अपने दर्शकों को प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके कुछ लोगों से हाथ मिलवा रहे हैं, सेल्फी के दीवाने यहाँ पर उपस्थित है। ये आगे आगे विकास प्रखंड पदाधिकारी की गाड़ी, इसके ठीक पीछे में आप देख रहे हैं विक्रमगंज थाना प्रशासन की गाड़ी, इसके साथ पीछे में आप देख रहे हैं काफी भीड़, काफी दर्शकों की भीड़, काफी चाहने वालों का भीड़। और पवन सिंह जिन्होंने लोगों से अपील करते हुए अपील कर रहे हैं कि कृपया शांति बनाए रखें। और देखिए आगे आगे जितने भी दीवाने हैं आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे में पवन सिंह। और अभी देखिए एक अच्छी कलाकार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जिनका नाम काजल है, और इनसे भी कुछ जानकारी लूंगा। थोड़ा साइड दीजिए, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले जितने भी मेरे आदर्श दिख रहे सभी को यहीं से पैर छू के प्रणाम। क्या कर रही हैं यहाँ पर? यहाँ पे पावर स्टार का इंतजार कर रहे हैं। पावर स्टार? जी, हम लोग के लिए तो पावर ही स्टार है ना वो। ये नहीं मालूम है कि वो पहले अभिनेता थे, अब अभिनेता बनने जा रहे हैं? थे, यहाँ पर भी हम लोग उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा पूरा सपोर्ट पावर स्टार में जाएगा। ये नहीं मालूम है कि वो पहले अभिनेता थे, अब अभिनेता बनने जा रहे हैं? थे, यहाँ पर भी हम लोग उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा पूरा सपोर्ट पावर स्टार में जाएगा। आपका अधिकार है वोट देने का? हाँ, क्यों नहीं। आपका उम्र कितना हो रहा है अभी? मेरा तो सपोर्ट नहीं जाएगा, बट मेरे पूरे फैमिली का तो जाएगा ना। यानी आप उनके लिए घूम घूम के लोगों को बताएंगे? हाँ, जरूर। उनका प्रचार करेंगे? हाँ, किस तरह से प्रचार करेंगे? हमारे पावर स्टार है, उनको सपोर्ट कीजिए, आगे चल के बहुत ही हम लोग का नाम रोशन करेंगे और हमारा भी नाम रोशन करेंगे। यहाँ नाम रोशन करना है या क्षेत्र का विकास करवाना है? क्षेत्र का विकास करना है और अपना भी नाम रोशन करना है। अपना भी नाम रोशन करना है। ये काजल जी है जो की अच्छे कलाकार है, ये डांसर भी है, शायद से इन्हें एक बार फिल्म में भी मौका मिला था गाने के लिए। और यहाँ पर हल्ला हो रहा है और देख रहे हैं जब भी कोई गाड़ियाँ आ रही है उधर से, तो इन लोगों को लग रहा है कि ये हवाएं के झरोखों के साथ यहाँ पर पवन भी आ चुके हैं, लेकिन अभी बेसब्री से इंतजार लोग कर रहे हैं और उनको आने में यहाँ बहुत अभी लेट है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं भीड़, ये हुजूम बढ़ते जा रहा है, भीड़ बढ़ते जा रहा है। और एक कलाकार यहाँ से विक्रमगंज से जुड़ चुकी हैं, इन्होंने भी बताया कि पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट हम करेंगे। जब मैंने पूछा कि आपका अधिकार नहीं है वोट देने का, तो इन्होंने कहा कि इधर से नहीं उधर से हम सपोर्ट करेंगे, यानी अपने आवाज़ों से मैं लोगों से विनती करूंगी, लोगों से प्रार्थना करूंगी। और कहूंगी, क्या कहोगी आप? क्या कहेंगे? हमारे पूरा सपोर्ट पवन भैया को जाएंगे, हमारे पवन भैया जिंदा है अभी। पवन भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारा पूरा सपोर्ट पवन भैया में जाएगा, पवन भैया में जाएगा। छोटी सी उम्र है लेकिन आवाज आप जान रहे हैं कि बहुत दूर तक जा रहा है इनका। अब देखिए यहाँ पर इस देश का हीरो कौन होता है और इस क्षेत्र का हीरो कौन होता है, जब ईवीएम के बटन दबेगा और जब ईवीएम का पट खुलेगा उस वक्त पता चलेगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा। आपने देखा, आप देख रहे हैं विक्रमगंज तेंदुनी चौक पर काफी भीड़ और अनेकों प्रकार के दीवाने यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि एक फिल्म स्टार नहीं है, एक अभिनेता नहीं, एक नेता का आगमन हो रहा है, क्योंकि वो अभिनेता हैं, लेकिन कुछ ही क्षण में वो अभिनेता के यहाँ पर आगमन होगा और यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो नेता बन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
क्या नाम है आपका? रितेश सिंह। रितेश सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये बोलना चाहते हैं कि नेता अभिनेता कोई नहीं है, ये काराकाट के बेटा है। काराकाट के बेटा जी, कोई बेटा ही नेता और अभिनेता बनता है। और हम कुछ नहीं कहेंगे, एक उनके लिए हम गाना लिखे हैं, सुना दीजिए जी। सुनए चाचा सुनए चाची, करे ले हाथ जोड़ी, आ काराकाट से दिल्ली तक पवन के पहुँचा दी, आ उटवा दे के विजयी बनाई पवन के अब की बारी, आ उटवा दे के विजयी बनाई पवन के अब की बारी, आ शंका नाही मन में राखी ए काराकाट के जनता, नया कहानी लिखाई जब पवन एमपी बनता, लालच नइखे कुर्सी के ना चाही हो फरारी, लालच नइखे कुर्सी के हो ना चाही हो फरारी, आ वोटवा दे के विजयी बनाई पवन के अब की बारी, वोटवा दे के विजयी बनाई पवन के अब की बारी। एक से बढ़कर एक दीवाने, लाखों हैं दीवाने, उन्होंने गाना गाया था, एक से बढ़कर एक दीवाने यहाँ पर जुड़ चुके हैं, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चाचा, इनसे मैं जानकारियाँ लेने का प्रयास करूँगा, थोड़ा सा फैले कर दिए, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय विद्याधर सिंह, ग्राम पोस्ट कृष्णगढ़, थाना बड़हरा, जिला भोजपुर का रहने वाला हूँ। पवन सिंह मेरे ही प्रखंड के विधानसभा के अंतर्गत हैं, मैं विक्रम में रहता हूं, लेकिन आज युवा के रूप में जिस तरह से उभर रहे हैं वैसा कोई कलाकार आज तक इस तरह का नहीं आया है। अभी जो है काफ़ी पॉपुलरिटी प्राप्त कर रहे हैं, और नवयुवक वर्ग तो और उत्साहित है कि काराकाट का बदलाव कर भारी बहुमत से, लगता है कि भारी बहुमत से जीतेंगे, हमारा भी आशीर्वाद है। इसलिए जो है अभी काराकाट की जनता या नवयुवक वर्ग काफ़ी उत्साहित है, अभी तुरंत पहुंचने वाले हैं, मैं उनको आशीर्वाद देता हूं कि भारी मतों से विजयी होके, भारी मतों से विजयी होकर। और हमें जहां तक उम्मीद है कि पवन सिंह अपने आरा में जन्मे हुए हैं और आरा को छोड़ करके ये काराकाट संसदीय क्षेत्र से क्यों लड़ना चाहते हैं, इनका उम्मीद और इनका बातों को मैंने समझ लिया हूं, इसलिए कि यही विक्रमगंज क्षेत्र वो है जहां से उनको पवन कुमार से पवन सिंह बनाया गया था, यही वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र से पवन सिंह को आज उस मुकाम तक पहुँचाया गया है जो कि फिल्म स्टार कहलाते हैं, क्योंकि यहीं से उन्होंने 30 सीरीज में जा करके गाना सीखा था, यहीं से उन्होंने, यही बगल में एक गांव है जिस गांव का नाम है शिवपुर, और वही शिवपुर के अशोक शिवपुरी एक बहुत अच्छा कलाकार थे, एक अच्छा राइटर थे, जिन्होंने पवन सिंह को उस फिल्मी दुनिया तक पहुंचाया, एक सिंगर बनाया, और यहीं पर एक मोती जी रहते हैं जिन्होंने 30 सीरीज में ले जाकर के उनको गाना गाने सिखाया और गलवाया, और उसके बाद में यही क्षेत्र को इसलिए चुने हैं कि जब इस क्षेत्र ने उनको अभिनेता बनाया है तो हो सकता है यही क्षेत्र उनको नेता भी बना दे, बात सही है कि नहीं है? इसी को लेकर के काराकाट क्षेत्र से वो लड़ना चाहते हैं। और बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाऊंगा, काफी भीड़ आप देख रहे हैं कि इधर लगा हुआ है, एक से बढ़कर एक कैमराएं लगाए गए हैं, सभी लोग सेल्फी खींच रहे हैं, और यही रास्ते से कुछ ही क्षण में पवन सिंह का आगमन होने वाला है। जितने काफी भीड़ और काफी दीवाने यहाँ आ चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने दुकान बंद करके यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के भी पहरे आप देख रहे हैं, चारों तरफ पुलिस प्रशासन अपने ड्यूटी को बाखूबी से निभा रहे हैं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ, कुछ ही क्षण में यहाँ पर एक से बढ़कर एक पदाधिकारियों का आगमन होगा। ये देखिए काफी भीड़, छत के ऊपर भी लोग, पेड़ के ऊपर भी चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चारों तरफ सबके हाथों में मोबाइल, और सब लोग कुछ लोग मालाएं को लेकर के तैयार हैं हैं। काफी यहाँ भीड़ आप देख रहे हैं, काफी हुजूम देख रहे हैं, काफी जनसंख्या देख रहे हैं, काफी जनसैलाब देख रहे हैं, क्योंकि आकाश में पवन का आगमन, धरती पे भी पवन का आगमन, यानी हवा का भी यहाँ पर आगमन हुआ है, और सुपर स्टार पवन सिंह का भी आगमन हुआ है। विक्रमगंज की धरती पे आपका हार्दिक स्वागत है, और विक्रमगंज से हैं भी आप? हाँ, मेरा नाम मोती जी हुआ। मोती जी, अभी जो यहाँ पर स्टार आए हुए हैं, पवन सिंह जिनका नाम है, फिर जो यहाँ पर स्टार आए हुए हैं, पवन सिंह जिनका नाम है, और इनको उंगली पकड़ करके शायद से आपने चलना सिखाया। हाँ हाँ, टी सीरीज में ले गए थे हम। टी सीरीज में आपने एक पवन कुमार को पवन सिंह बना दिया। जी जी, और पवन सिंह को इस बार
काराकाट क्षेत्र से भी जीता कर भेजेंगे, संसद बना देंगे इनको। कहीं लोग बोलते हैं कि मोती जी या शिवपुरी जी जो हैं वो लोग आज भी पवन से मिलने जाते हैं तो पवन जी मिलने से इनकार कर देते हैं, ऐसा कोई बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है, बहुत बढ़िया से मिलते हैं। अफवाह उड़ाया जाता है? अफवाह है, सारा अफवाह है। आज भी आप लोग को गुरु मानते हैं? बहुत 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 ज्यादा मानते हैं, पूरा परिवार मानता है इनका हम लोग। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पवन को, छोटे पवन जब थे उस वक्त पवन को टी सीरीज में ले जा करके गीत गवाते थे और पवन सिंह गीत गाते गाते आज एक स्टार बन गए और स्टार से एक अभिनेता और अभिनेता से आज नेता के चक्कर में। ये बताइए कि आरा के वो जन्मे हुए हैं, आरा के रहने वाले हैं और विक्रमगंज यानी आपको काराकाट संसदीय क्षेत्र को ही क्यों उन्होंने चुना, चुनाव लड़ने? नजदीक में है, वहाँ नहीं मिला, आर के सिंह पहले से हैं इसलिए यहाँ नजदीक में है, उनका क्षेत्र है, यहाँ भी उनके बहुत जनता प्रिय हैं। लेकिन मेरे समझ से लग रहा है कि नजदीक की बात नहीं आप छुपा रहे हैं। नहीं, नहीं, बात यह है कि यही विक्रमगंज ने पवन कुमार को पवन सिंह बनाया था और जहां पर ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं इसीलिए उन्होंने जब बचपन से एक अभिनेता बन गए तो अभिनेता से जब नेता बनने की बारी आई तो उस वक्त भी इसी क्षेत्र को चुने हैं, बात सही कि नहीं? यही बात सही बात है, सही। हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं पवन जी को, वो भी हम लोग को बहुत इज्जत सम्मान देते हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाऊंगा। शायद से अभी इनको उनसे मिलने की जगह नहीं मिल गई। देखिए पवन सिंह के दीवानों के गाड़ियां जा रही है, एक लाइन से पवन सिंह के दीवाने जो हैं यहां पर जा रहे हैं सौरन बजाते हुए और गाड़ी पर लिखा गया है निर्दलीय प्रत्याशी 35 काराकाट लोकसभा क्षेत्र श्री पवन सिंह जी। और देखिए अब जनता के हाथ किसके साथ है, ठीक जब ईवीएम का बटन दबेगा उस वक्त पता चलेगा। चलिए आपने जानकारी दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सर। सेल्फी के दीवाने अपने अपने मोबाइल दे करके पवन सिंह से फोटो को खिंचवा रहे हैं और यहाँ अभी देख रहे हैं आप विक्रमगंज के तेंदुनी चौक है और तेंदुनी चौक पर काफी यहाँ पर हुजूम आप देख रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रही है, पवन सिंह जिंदाबाद के यहाँ पर नारायण को लगा रहे हैं लोग, इसलिए ये पवन सिंह के दीवाने लोग हैं। आप देख रहे हैं कि मैं विक्रमगंज के अनुमंडल के तेंदुनी चौक पर उपस्थित हूं। तेंदुनी चौक पर आप काफी हुजूम भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ छोटा सा भीड़ नहीं, बहुत बड़ा भीड़ ये बनने जा रहा है क्योंकि यहां पर पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का आगमन होने जा रहा है। आपने एक गाना सुना होगा, बहुत पहले एक गाना आपने सुना होगा जो कि पवन सिंह ने ही गाया था कि लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने, उस दिन गाया गया था तेरे दीवाने, लेकिन यहाँ आज उनके दीवाने लोग हैं। और चलिए इन लोग से कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? काफी आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर, काफी भीड़ ये दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है ये कहने की जरूरत नहीं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी आपने देखा कि विक्रमगंज में पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह एक फिल्म अभिनेता हैं जिनका आगमन हुआ है और काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी लड़ने वाले हैं। हुजूम इतना था, भीड़ इतना था कि मतलब उनमें मिल पाना मुश्किल था, लेकिन एक हमारे साथ व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिनके दोनों आंखों से नहीं दिखाई देता है। गले में माला है, चादर है, ये चादर मामूली से चादर नहीं, ये जो शॉल आप देख रहे हैं ये पवन सिंह पावर स्टार साहब से इनको दे करके सम्मानित किया है। इन्होंने गाड़ी पर चढ़ गया, इनके दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता परंतु फिर भी गाड़ी पर चढ़ गए और गाड़ी पर चढ़ करके इन उनके साथ इन्होंने गले लगा और उसके बाद में इनको उन्होंने सम्मानित किया अंग वस्त्र दे करके, इनके माथों को चुमा, शायद से आंख वाले लोगों को उन्होंने नहीं चुमा। कहीं ना कहीं ये एक दृश्य देखने लायक था। क्या नाम है आपका? पप्पू यादव। पप्पू यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बक्सर, थाना नवानगर, पोस्ट कणसर, ग्राम समोसर। यहाँ पर कैसे आए आप? यहाँ पे भैया डाले थे तो मतलब हमसे कोई बताया था कि मतलब भैया आ रहे हैं विक्रमगंज में, मतलब 12 वो गांव में जाएंगे उसमें विक्रमगंज भी है। अच्छा विक्रमगंज है, विक्रमगंज अनुमंडल आप आ गए, आपके साथ कौन कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं फिर भी अकेले चले आए, यानी पूछ यानी आपने पहले गाना सुना था कि लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने, पवन सिंह ने गाया था और उसी दीवानों में से एक दीवाना ये भी है
और कि इनकी चप्पल भी भीड़ में छूट गई और ना जाने क्या क्या हुआ, क्या चोट उठ भी आई है क्या? नहीं चोट नहीं आया। अच्छा चोट नहीं आया नहीं। और इन्होंने पवन की गाड़ी तक पहुंच गए, सबसे बड़ी बात है उनकी ये बात बता दीजिए, चप्पल छूटा है कोई बात नहीं, हम भैया के लिए अपना जान भी दे सकते हैं। भैया के लिए जान भी दे सकते हैं, जान रहेगा तो जहान रहेगा, ये मालूम है कि नहीं? ये तो है, मगर ये जान हमारा जान भैया के लिए है। हमारा जान भैया के लिए? कौन सा भैया? कौन भैया? उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? उनके लिए क्या कहें, जितना कहें कम में है। और सबसे पहली बात है कि मीडिया वाले को लोग बदनाम करते हैं। देखिए एक मेरे साथ मीडिया वाले ही भाई जुड़ चुके हैं जिन्होंने अभी काफ़ी इनका मदद किया है और इस रास्ते से जा रहे थे, तो क्या 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 इनको मदद किया आप? मदद क्या किए, हमको ये दिखाई दे दिए, मेरे भाई के हाथ पकड़ के कंधा पकड़ के ये आ रहे थे। अच्छा अच्छा, मुझे दिखाई दिया तो पहले हमको ये अंग वस्त्र वगैरह दिखाई दिया तो हमको पता चल गया कि पवन स्टार के सुपर फैन है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुपर फैन है। फिर इनसे हमने पूछा कि आप खाली पैर हैं? इनका थोड़ा बहुत हमने इंटरव्यू लिया है, मेरा न्यूज़ फाइंडर्स नाम से चैनल है, तो मैंने इंटरव्यू लिया। और इसके बाद इनसे पूछा चप्पल कहाँ गया, कह रहे भीड़ में गुम हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम बोले कि जब भीड़ में गुम हो गया तो चोट भी लगी होगी, या आपने पवन सिंह को बताया या उनको पता चला? कह रहे नहीं, ना उनको पता चला ना हमने बताया और ना ही उनसे हमको शिकायत है। देखिए इतने बड़े फैन, चप्पल गुम है और गर्मी इतनी तेज। अभी इनका चप्पल दिलवाया कौन? और ये देखिए मीडिया कर्मी हमेशा बदनाम रहे, बिक गया है तो कभी भी बदनाम हो रहे हैं। वो तो कभी भी बदनाम रहेंगे, इसलिए अगर सच्चाई दिखाइएगा तो भी बदनाम रहिएगा और सच्चाई नहीं दिखाइएगा तो भी बदनाम रहिएगा। लेकिन ये चौथा स्तंभ देश का होता है, वो उजागर करता है, अगर मीडिया सो गया तो पूरा देश सो गया। इनको पहले इनका गला चप्पल दिलाए लेकिन मीडिया में आने के लिए नहीं दिलाए, ये एक फर्ज बनता है हर आम इंसान का। हर आम इंसान के अगर पॉकेट में 100 रुपये है तो 50 रुपये में अगर आप उसका घर चल जाता है तो 50 रुपये में किसी का चप्पल किसी की दवाई आ जाती है, तो वो मदद करना हर एक इंसान का फर्ज बनता है, हर एक इंसान का फर्ज बनता है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं मीडिया वालों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप मीडिया की तरह से सारे भाइयों को उजागर कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील हुआ। और एक बात और भी कहूँगा मैं, नेता अभिनेता जो भी आते हैं रोड पर, एक बार प्रशासन को इतनी टाइट हो जानी चाहिए कि कम से कम एक गाड़ी जाने के लिए रास्ता वहाँ पर होनी चाहिए। उस रास्ता के इसलिए छोड़ा जाता है कि कहीं ना कहीं कहीं कोई जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है तो वो सही सलामत उस स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँच सके। वो एक और बात है, हम लोग मीडिया कर्मी हैं, हम लोगों को उनसे कई सवाल करने थे, कड़े क्षेत्र को लेके पिछले जो सांसद थे उनको लेके, बट प्रशासन ने इतना जगह नहीं करवाया कि मीडिया कर्मी कोई सवाल पूछ सके, भीड़ इतनी थी, जिसके वजह से जो मुद्दा उनसे पूछना चाहिए हम लोगों को, जो आवाज़ उठानी चाहिए वो आवाज़ अभी तक पहुंच नहीं पाई। आवाज़ उठेगा? हाँ, क्योंकि अब जब हमारे क्षेत्र से आपने नॉमिनेशन करा ही लिया है तो हम ना सोएंगे ना झुकेंगे, हम आपसे दम करके सवाल करेंगे, क्योंकि जनता को अब दाम और नाम नहीं बिल्कुल काम चाहिए। मेरा यह प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बताइए मेरा ये आपके चैनल से हम बताना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम आईडी पप्पू यादव 3.9 बता दीजिए। ये जो आईडी बता रहे हैं इस आईडी को जरूर देखिए, क्योंकि इनको दो आप देख रहे हैं, इनकी आंखें देख रहे हैं और ऊपर माथा किया, इनकी आंखों से दिखाई नहीं देता, सूरदास हैं, लेकिन जो दास होते हैं उनके आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन तीसरी नेत्र इन लोग के चालू रहती है, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है तीसरी नेत्र से जरूर दिखाई देता होगा। आखिर आप लोग अंदाजा कैसे लगाते हैं हमको ये रास्ते में जाना है, ये रास्ता गलत है ये रास्ता सही है? दुर्गा माई की कृपा, दुर्गा माई की कृपा, भगवान की कृपा है, और जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहता है वो कभी